प्रेजेंट टीचर। हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं उन भेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। अर्थ के आधार पे शब्द के चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। पहला होता है एकार्थक शब्द। देखिए, पहला एकार्थक शब्द होता है, दूसरा अनेकार्थक शब्द होता है, और तीसरा जो है समानार्थी शब्द होता है। इसके बाद जो चौथा है विकृतार्थक शब्द। तो सर, इसके आधार पे, अर्थ के आधार पे चार भेद होंगे। अब इसमें से सबसे पहले पढ़ेंगे एकार्थक शब्द। एकार्थक शब्द क्या है? एकार्थक, यहाँ पर निधीय करने से एकार्थक शब्द यानी जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ। देखिए, आज हम गेस कर दिए इसको, जहां पे केवल एक ही अर्थ निकले या एक ही अर्थ होता है उसे एकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे हम ले लेंगे रोटी को ले लेते हैं। देखिए, रोटी का कोई दूसरा अर्थ नहीं है, रोटी का अर्थ सिर्फ रोटी ही होता है। रोटी के बाद हम कुर्सी को ले लेंगे, कुर्सी का भी कोई दूसरा अर्थ नहीं है, कुर्सी को कुर्सी ही कहा जाता है। पुस्तक का भी कोई दूसरा अर्थ नहीं होता है, पुस्तक को पुस्तक ही कहा जाता है। इसी प्रकार से हम कलम को ले लेते हैं। कलम क्या है? एक शब्द है ना, लेकिन इस शब्द का, कलम शब्द का कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलता है, सिर्फ एक ही अर्थ होता है, एक अर्थ ही है। इन शब्दों का केवल एक ही अर्थ हो एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे में नल को लेंगे तो नल से हमें सिर्फ एक ही अर्थ निकलता है, नल अर्थात नल, इसका भी कोई दूसरा अर्थ नहीं होता है। इसलिए रोटी, कुर्सी, पुस्तक, कलम, नल आदि ये सब एकार्थी शब्द कहे जाते हैं, क्योंकि इन शब्दों का और कोई अर्थ नहीं निकलता है। और इसके बाद हम देखेंगे अनेकार्थक शब्द। एकार्थी शब्द के बाद अनेकार्थक शब्द को देखेंगे। तो देखिए, ऐसे शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ निकले, जिसके एक से अधिक अर्थात अनेक अर्थ निकले। देखिए, यहाँ पे क्या है? अनेक अर्थ निकले उसे अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्द आपके समक्ष है, जैसे में अंत को हम लेते हैं। जब अंत बोला जाता है तो अंत क्या है? अंत अनेकार्थी शब्द है, क्योंकि अंत कहने से हमें गोंद के बारे में भी पता चल जाता है। गोंद का बोध होता है। अंक कहने से हमें संख्या का बोध होता है, अर्थात इसके एक से अधिक अर्थ हुए। पत्र को लेते हैं तो पत्र जब हम कहते हैं, पत्र यानी पत्ती का बोध होता है, लेकिन पत्र में चिट्ठी भी होती है। क्या होती है? हाँ, चिट्ठी भी होती है, पत्र में चिट्ठी या पत्ता। इसी प्रकार से हम अमर को ले लेंगे तो अमर के भी एक से अधिक अर्थ है, क्योंकि ये अनेकार्थी शब्द है। अमर के एक से अधिक है, इसलिए क्या हो जाते हैं? जैसे अमर कहने से आकाश का बोध होता है। किसका बोध होता है? आकाश का। जैसे अमर आकाश, और अमर मीन्स वस्त्र भी होता है। क्या होता है? वस्त्र यानी कपड़ा। देखिए, सारण को लेते हैं तो सारण का भी अर्थ अनेक होता है, ये भी अनेकार्थी शब्द है। जैसे सारण में शिकारी भी होता है, देखिए सारण में शिकारी भी होता है, हिरण भी होता है, और सारण में
बादल भी होता है, क्या होता है? बादल भी होता है। तो वे शब्द ऐसे शब्द जिसके एक से अधिक अर्थात अनेक अर्थ निकलते हो, अनेकार्थी शब्द कहे जाते हैं। ये तो हो गया अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, और उनमें से हम दो भेदों को पढ़ लिए, एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द। एकार्थी का मतलब सिर्फ एक ही अर्थ निकले, और अनेकार्थी का मतलब होता है एक से अधिक अर्थ निकलना। तो ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? ठीक, ओके।